पूरे देश में इन दिनों माता रानी की भक्ति की बयार बह रही है, जिसमें हर जगह अपनी अपनी मान्यताएं हैं और परंपरा है। ऐसी ही मान्यता सीहोर से लगभग 70 किलोमीटर आष्टा विधानसभा के ग्राम करमनखेड़ी में विराजी माँ भराड़ी के दरबार में है कि जो भी भक्त यहाँ माता रानी के दरबार में आकर हाजिरी लगाता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता भराड़ी के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। यहां नवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार अष्टमी को ही खुलते हैं और नवमी को पूजा अर्चना के बाद फिर बंद कर दिए जाते हैं। ज्ञात रहे कि यह मंदिर सिंधव समाज के झोरड गोत्र के कुलदेवी हैं, जहां आसपास के देवास शाजापुर सीहोर से हजारों लोग माता रानी के दरबार में अर्जी लेकर आते हैं। आने वाले भक्तों के लिए ग्राम हाजीपुर में और कुरावर के लोग चाय पानी और फलों का निशुल्क वितरण करते हैं। क्या नाम है आप? लखन सिंह, पूर्व सरपंच करमनखेड़ी का। बताए यहाँ के बारे में क्या है? हाँ क्यों नहीं है, बचपन से क्योंकि यहाँ का मूल निवासी हूँ इसलिए यहाँ का पूरा पता है, पूरा अनुभव है यहाँ का। साल में एक बार माँ आशापुरी के दरबार में सातम को पट खुलते हैं और 3 दिन तक दशहरे के दिन 5 बजे पट बंद हो जाते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर कहीं दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये झोरड परिवार की कुलदेवी माँ का मंदिर है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कुलदेवी माँ का मंदिर जरूर है, उनके परिवार का मंदिर जरूर है, पर माँ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करती है और सभी के आशा और विश्वास के साथ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये साल में एक बार माता भराड़ी का जो मंदिर का पट खुलता है, इस विषय में हमारे काम के सभी नवयुवक मंडल की ओर से, ग्राम कुरावर की ओर से, सभी नवयुवक मंडल और सभी के सहयोग से यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रसाद वितरित की जा रही है। तो जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको हमारे तरफ से प्रसाद के रूप में केले यहाँ पर दिए जाते हैं। जो लगभग अभी 5-7 वर्षों 8 वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, सभी युवाओं की वजह से यहाँ पर यह कार्यक्रम दिन नवरात्र में महापर्व जो मनाया जाता है करमनखेड़ी में माँ आशापुरी के दरबार में, यहाँ विशेष रूप से तो झोरड़ गोत्र के लोग आते ही हैं, बाकी अन्य समाज के और अन्य गोत्र के लोग भी आते हैं और उनकी हर माँ मनोकामना पूर्ण करती है। आशापुरी का दरबार है जहाँ कोई भी खाली नहीं जाता। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के जावर से राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।